गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने राइस पढ़ लिया, वीट पढ़ लिया, अब आते हैं बच्चों मेज। मेज जो होता है इसका बॉटनिकल नेम जिया मेज है, जिया मेज बोला जाता है। अलग अलग इसकी वैरायटी यहाँ पे दे रखी है, जैसे फ्लिंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, फ्लोर कॉर्न, पॉपकॉर्न एंड वैक्सीकॉर्न। तो स्टार्ट करते हैं फ्लिंट कॉर्न से बच्चों। फ्लिंट कॉर्न क्या होता है? जिया मेज इंडियोराटा इसका बॉटनिकल नेम होता है। फ्लिंट कॉर्न का एंटायर आउटर पोर्शन ऑफ कर्नेल इज हार्ड स्टार्च। इसका जो आउटर कवर जो होता है वो हार्ड होता है, स्टार्च से बना हुआ। फ्लिंट कम इन मैनी कलर। फ्लिंट इसका बहुत कलर का आता है, सच एज वाइट, येलो, रेड, ब्लू एंड देयर वेरिएबल्स। देन आते हैं डेंट कॉर्न पे। डेंट कॉर्न का नाम क्या है बच्चों? जिया मेज इंडेंटाटा, ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम हो गया है। अबाउट 95% ऑफ प्रोडक्शन इन यूएसए इज डेंट कॉर्न। यूएसए में 95% डेंट कॉर्न का प्रोडक्शन होता है। हार्ड स्टार्च इज कन्फाइंड टू कर्नल ओनली। द एमाइलोज ऑफ सॉफ्ट स्टार्च इन द कोर कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द ग्रेन इज ड्राइड, प्रोड्यूसिंग करेक्टरिस्टिक्स डेंट इन द टॉप ऑफ द कर्नल। ये क्या कह रहा है कि इसका जो सॉफ्ट स्टार्च का माइलोज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, कोर कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द ग्रेन इज ड्राइड। उसको जब हम ड्राई करते हैं प्रोड्यूसिंग करेक्टरिस्टिक डेंट, तब ये करेक्टरिस्टिक डेंट को प्रोड्यूस कर रहा है इन द टॉप ऑफ द कर्नल, कर्नल के टॉप में। मे बी कौन कौन से कलर का होता है बच्चों? येलो, वाइट, रेड कलर ऑफ कर्नल। नेक्स्ट आते हैं स्वीट कॉर्न, जिया मेज सेकेराटा बोला जाता है इसको। ग्राउंड फॉर फूड एंड हार्वेस्टेड एट 70% मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, मेनली फूड के लिए इसको हम ले रहे हैं, सॉरी ग्रोन फॉर फूड, फूड के लिए हम लोग इसको ग्रो करते हैं। एंड हार्वेस्टेड एट 70% मॉइस्चर, 70% मॉइस्चर के लिए हार्वेस्टेड किया जाता है। इसमें 70% मॉइस्चर कंटेंट होता है। इट इज़ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का। अबाउट 20% ऑफ ड्राई मैटर इज सुगर कंपेयर टू 3% एंड डेंट कॉर्न, क्लियर। इट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड ए, यानी सबसे अच्छा ये बताया जा रहा है स्वीट कॉर्न है, जो विटामिन सी और ए इसमें पाया जाता है। फिर आता है फ्लोर कॉर्न, जिया मेज एमाइला सिया जो होता है। कर्नेल इज लार्जली कम्पोज ऑफ सॉफ्ट स्टार्च विद लिटिल और नो हार्ड स्टार्च। इसका जो कर्नेल होता है इसमें सॉफ्ट स्टार्च होता है, हार्ड स्टार्च बहुत कम होता है या नहीं ही होता है। कर्नेल आर इजी टू ग्राइंड, अच्छे से इसके कर्नेल को हम ग्राइंड कर सकते हैं। प्राइमरली यूज्ड बाय नेटिव ऑफ एंडीन हाईलैंड ऑफ साउथ अमेरिका में इसको मेनली यूज किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं पॉपकॉर्न, जिया मेज इवर्टा इट्स कर्नेल इज स्मॉल। इसका कर्नेल स्मॉल होता है, एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फ्लिंट कॉर्न। व्हेन हीटेड टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड द ग्रेन स्वेल एंड ब्रस्ट एंड टर्निंग इनसाइड आउट। ये क्या कह रहा है कि इसको जब 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तो ये थोड़ा सा स्वेल होता है, ब्रस्ट होता है और बाहर निकल जाता है। एट दिस टेम्परेचर द वाटर हेल्ड इन द स्टार्च टर्न टू स्टीम। इस स्टार्च के अंदर का वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है एंड द प्रेशर कॉज द एक्सप्लोजन, और यही प्रेशर क्या करता है, एक्सप्लोजन कर देता है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट वैक्सीकॉर्न, जिया मेज सेरेटिना जो होता है, ड्यू टू वैक्सी अपेयरेंस ऑफ कर्नेल इट इज कॉल्ड एज वैक्सीकॉर्न। इसकी वैक्सी अपीयरेंस के कारण इसे वैक्सीकॉर्न कहा जाता है। द स्टार्च इज एंटायरली एमाइलोपेक्टिन वेयर एज डेंट हैज 78% एंड 22% एमाइलोज होता है इसके पास। हाइब्रिड्स ऑफ वैक्सी आर रो मटेरियल फॉर वेट मिलिंग, स्टार्च इंडस्ट्री फॉर टेक्सटाइल एंड पेपर सीजिंग एंड कॉर्न ऑयल, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है वैक्सीकॉर्न का। तो ये इस तरह से इसकी अलग अलग वेराइटी हो गई बच्चों कॉर्न की। फिर आते हैं हम फैमिली, इसकी पॉइसी होती है, ऑरिजिन इसका मैक्सिको में हुआ था। इनफ्लोरिसेंस जो है इसका स्पाइक होता है, इनफ्लोरिसेंस द कॉर्न सिल्क ग्रोइंग आउट ऑफ द ईयर इन द फीमेल पार्ट ऑफ कॉर्न प्लांट एंड द टसल ग्रोइंग आउट द टॉप ऑफ द कॉर्न स्टॉक इन द मेल पार्ट। ये बता रहा है कि इसका टसल जो होता है मेल पार्ट में ग्रो होता है और इसका जो कॉर्न सिल्क होता है वो फीमेल पार्ट में ग्रो होता है, ठीक है। कॉर्न सिल्क ग्रोइंग आउट ऑफ द ईयर इज द फीमेल पार्ट ऑफ द कॉर्न पार्ट, ये इसका फीमेल पार्ट, सॉरी जो मैंने बोला कि इसका फीमेल पार्ट होता है, और टसल ग्रोइंग आउट द टॉप ऑफ द कॉर्न स्टॉक इज द मेल पार्ट, वो उसका मेल पार्ट होता है। टाइप ऑफ फ्रूट, फ्रूट कौन सा होता है? क्रायोप्सिस होता है। लीडिंग स्टेट इन इंडिया, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट 66%, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन 10-11%, फैट कंटेंट होता है 3.6-4%।
फिर आते हैं बच्चों इसका जनरल इंट्रोडक्शन कि यूएसए इज लार्ज प्रोडक्शन ऑफ मेज इन वर्ल्ड 37% करता है. मेज इज ऑल्सो नॉन एज बैकबोन ऑफ यूएसए. यूएसए की बैकबोन बोला जाता है. इंडिया प्रोड्यूस 2% ऑफ वर्ल्ड मेज का ओनली 2% इंडिया प्रोड्यूस करता है. हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज इन इंडिया इन द आंध्र प्रदेश. प्रोडक्टिविटी इज टू ऑफ कर्नाटका. मेन प्रोडक्टिविटी इसकी कर्नाटका में होती है. मेज C4 प्लांट होता है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है. मेज इज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप. क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें. इसको ऑल्सो नॉन एज क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप. सीरियल क्रॉप की क्वीन बोला जाता है इसे. जैन प्रोटीन इज फाउंड इन मेज. मेज में कौन सा प्रोटीन है? जैन प्रोटीन है. जियाटीन इज नेचुरल साइटोकाइनिन फाउंड इन मेज. मेज में जो नेचुरल साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? जियाटीन बोलते हैं. मेज इज मोनोसियस इन नेचर. मोनोसियस का मतलब यही होता है कि मैंने आप लोग को मोनोसियस और बाइसेक्सुअल कंडीशन सेम बताई थी कि जिसमें मेल और फीमेल एक ही में होते हैं उसको मोनोसियस कंडीशन बोलते हैं. तो अभी इसमें प्रोटोएंट्री बोल रहा है. प्रोटोएंट्री का मतलब पहले डेवलपमेंट एंडोसियम का होता है, फिर गाइनोसियम का होता है. नेक्स्ट, मेज इंट्रोड्यूस इन इंडिया. इंडिया में कब किया गया था? 17th century में इंट्रोड्यूस किया गया था. रिमूवल ऑफ मेल पार्ट ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड. उसको मेल पार्ट को हटाना हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, उसको क्या कह रहा है ये? डीटेस्लिंग. डीटेस्लिंग बोला जाता है. लाइसिंग एंड ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड फाउंड इन मेज. मेज में कौन से अमीनो एसिड होते हैं? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन. टेस्ट वेट ऑफ हाइब्रिड मेज इज 285 ग्राम. टेस्ट वेट ऑफ कंपोजिट मेज इज 200 ग्राम. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है बच्चों इसकी ग्रो के लिए? वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है इसको. वार्म सीजन में ग्रो होता है. मैक्सिमम रेट ऑफ मेज ग्रोथ इज एट 24 to 30 degrees centigrade. लॉन्गर द ग्रेन फिलिंग पीरियड, हायर द ग्रेन यील्ड, प्रोवाइड नो फ्रीजिंग टेम्परेचर. क्या कह रहा है ये बच्चों कि लॉन्गर द ग्रेन फिलिंग पीरियड. ग्रेन फिलिंग पीरियड इसका बहुत ज़्यादा होता है. हायर द ग्रेन यील्ड प्रोवाइडेड, इससे क्या ग्रेन की यील्ड अच्छी होती है. नो फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे नहीं. हायर द सोलर रेडिएशन, जितनी ज़्यादा सोलर रेडिएशन होती है हायर विल बी द फोटोसिंथेसिस इन मेज. जितनी ज़्यादा क्या बताया मैंने, सोलर रेडिएशन को मिलती होती ज़्यादा उसमें फोटोसिंथेसिस होता है. सुटेबल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन इज 21 degrees centigrade. पहले ही बोला ये वार्म सीजन में ग्रो करता है. सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करें बच्चों तो सॉइल कैसी चाहिए इसको? डीप फर्टाइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. वेल ड्रेन्ड सॉइल आर द मोस्ट प्रिफर्ड वंस फॉर द क्रॉप. हाउएवर मेज कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल टाइप. अलग अलग सॉइल टाइप की वैरायटी में ग्रो करता है. द सॉइल शुड बी मीडियम टेक्सचर. सॉइल का टेक्सचर मीडियम होना चाहिए विद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. द क्रॉप इज वेरी सेंसिटिव टू वाटर लूजिंग एंड सिंस इट इज मेनली ग्रोन ड्यूरिंग रेनिंग सीजन. मेनली रेनिंग सीजन में ग्रो करता है. केयर शुड बी टेकन टू एश्योर डैट वाटर डज नॉट स्टैग्नेट ऑन द सॉइल सर्फेस फॉर मोर देन 4 to 5 hours. कहने का मतलब इसकी जो सॉइल होती है उस सॉइल के ऊपर वाटर रुका हुआ नहीं रहना चाहिए. वो या तो नीचे की तरफ चला जाए या फिर वो बह जाए. लोमी एंड स्लिट्स लोम सॉइल एंड स्लिट क्ले लोम सॉइल हैविंग फेयरली परमिएबल सब सॉइल इज आइडियल सॉइल टाइप. ठीक है, दस द आइडियल सॉइल इज नाइदर क्ले और सैंडी एंड हैज अ पीएच बिटवीन. कितनी होनी चाहिए? 6.5 to 7.5 के बीच में इसकी पीएच होनी चाहिए. वैरायटी की बात करते हैं बच्चों, पहले भी बताई थी, अभी भी मैं थोड़ी ही वैरायटी आपको कहूँगी कि वो एक या दो वैरायटी आपको याद कर लेनी है इसमें. अंडर द यू स्पीसीज ऑफ द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट स्कीम 11 हाई यील्डिंग है. इसने 11 बोली है तो 11 हाई यील्डिंग हाइब्रिड्स कौन कौन से बता रहा है? गंगा 101, रंजीत, डेक्कन, गंगा 5, गंगा सफद 2, हाई स्टार्च, गंगा 4, हिमालय 1, 2, 3, गंगा 3, VL 54 एंड 6. कंपोजिट कौन सी हैं? विजय, अंबर, सोना, किसान, जवाहर एंड विक्रम. हाई यील्डिंग हाइब्रिड्स तो ये सारी हो गई बच्चों, और दूसरी कंपोजिट जो है वो कौन सी है? विजय, अंबर, सोना, किसान, जवाहर एंड विक्रम. हैज बीन रिलीज फॉर कल्टीवेशन इन द वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री. ठीक है, अब जैसे ये गंगा वन के बारे में आपको बता रहे, इट इज़ द फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज इन इंडिया डेवलप्ड इन 1961. ये थोड़ा याद कर लो. गंगा फाइव जो है बोल्ड येलो और सेमी फिल्ट होती है. मीडियम मैच्योरिंग, मीडियम सैचुरेटेड, वाइडली अडेप्टेड हाइब्रिड है. रिकमेंडेड फॉर द नॉर्थन प्लेन एंड पेनिसुलर इंडिया.
रेजिस्टेंस टू लीफ ब्राइट एंड ब्राउन स्ट्रिप ब्राउनी मिड्यू स्टेप ड्रॉरर एंड ड्रॉट। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग वैरायटी की इन्होंने अलग अलग बता रखी है कि क्या क्या खासियत है। आप मेनली वो ध्यान रखना कि गंगा वन जो होती है वो फर्स्ट वैरायटी है जो डेवलप्ड की गई थी। ठीक है, ये अलग अलग वैरायटी। अब जैसे एक हमने वो वाली देख ली हाई यील्डिंग वैरायटी। अब जैसे गंगा 11 बता रहा है आपको, गंगा 11 का मतलब बता रहा है रेजिस्टेंस टू ड्राउन मिड्री और ब्राइट डिजीज। ठीक है, आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें कौन कौन सी वैरायटी है और सबसे पहले कौन सी वैरायटी डेवलप की गई थी, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ विजय बता रहा है तो विजय में भी बता रहा है कि कौन से मीडियम में इसको ग्रो कर सकते हैं हम। मीडियम मैच्योरिंग कंपोजिट विच हैज सोन वाइल्ड एडेप्टेबिलिटी टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पजेस कंसिडरेबल रेजिस्टेंस टू फोलिया डिजीज। तो बस ठीक है, ये वेराइटी हैं अलग अलग, कौन सी कंपोजिट है, कौन सी वेराइटी जो है वो हाई यील्डिंग वेराइटी है, इनके नेम ध्यान रखो बच्चों, बस। ठीक है, तो ये अलग अलग वेराइटी हो गई। अब वेराइटी के बाद मैं आपको बताऊंगी बच्चों इसमें, अब और स्टार्टिंग में मैंने अलग अलग आपको बताई थी जिया सीजन वेराइटी, सॉरी जैद सीजन वेराइटी, जैद में कौन सी वेराइटी को ग्रोथ किया जाता है, रबी सीजन वेराइटी दे रहा है ये, रबी सीजन में कौन सी वेराइटी को ग्रो किया जाता है। तो रबी सीजन में बस इनके नेम ध्यान रख लो कि ये वेराइटी रबी सीजन में ग्रो की जाती है, गंगा सेकंड, डेकन 103, डेकन 105, ट्रिसोल्टा हाई स्टार्च एंड मंगीरी। इसी तरह जैद सीजन वेराइटी जो है वो कब कौन कौन सी हैं, तरुण, नवीन, श्वेता, नवजोत, कंचन, आज़ाद, उत्तम D765, किरण एंड हाइब्रिड नंबर 9, ये सारी ग्रो होती हैं। फॉरेज मेज, अफ्रीकन टॉल, J1006, पॉपकॉर्न, अंबर पॉपकॉर्न, पर्ल पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न में माधुरी है। ठीक है, तो ये अलग अलग वैरायटी बता रखी है। वेरी अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी कौन सी है, डायना 3, D765। अब सीड की रेट की बात करती हूँ मैं। हाइब्रिड वैरायटी जो है 20-25 केजी पर हेक्टर, कंपोजिट वैरायटी जो होती है 80-20 केजी पर हेक्टर, फॉर फूडर के लिए जो वैरायटी है वो 40-50 केजी पर हेक्टर और बाय डिबलर 4 केजी पर हेक्टर। ये हो गई सीड रेट। अब आते हैं सीड का ट्रीटमेंट किससे किया जाता है बच्चों। सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज पैलेट सीड विद इंसेक्टिसाइड्स, ट्रीट 1 केजी ऑफ सीड विद क्लोर पायरीफोस 20EC और मोनोक्रोटोफोस 36WSC और फॉस्फोलोन 35EC एट 4 ml प्लस 0.5 ग्राम गम इन 20 ml ऑफ वाटर फॉर द कंट्रोल ऑफ स्टेम बोरर और सीड ट्रीटमेंट विद इमीडाक्लोप्रिड 70WSC 10 ग्राम पर kg ऑफ सीड। तो ये बता रहे हैं कि इस सीड ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, सीड ट्रीटमेंट विद किस कैसे और ना किस में डिजॉल्व करके करना है। सीड ट्रीटमेंट विद मेथालेक्साइल और थायराम 2 kg पर kg ऑफ सीड फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्राउनी मिड्यू एंड क्रेजी टॉप। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट विद फंगीसाइड्स में बी ट्रीटेड विद 3 packets हम यूज करते हैं ऑफ एजो स्पायरिलम बिफोर सोइंग। स्पेस कितना चाहिए बच्चों इसे, 16-25 cm। सीड की डेप्थ कितनी होती है, 3-5 cm। प्लांट पॉपुलेशन 66-70,000 पर हेक्टर में रहती है। मैन्योर और फर्टिलाइजर कौन से हैं बच्चों इसके, FYM 10-15 tons पर हेक्टर, नाइट्रोजन 120 kg पर हेक्टर, P2O5 60 kg पर हेक्टर, K2O 40 kg पर हेक्टर। वाटर मैनेजमेंट कैसे करना होता है बच्चों, मेज क्रॉप इज सेंसिटिव टू बोथ मॉइस्चर स्ट्रेस और एक्सेसिव मॉइस्चर, कि मॉइस्चर का स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं होना चाहिए। हैंस रेगुलर इरीगेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंश्योर ऑप्टिमम मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द मोस्ट क्रिटिकल फेज 45-65 days आफ्टर सोइंग। ठीक है, तो ये बता रहा है अदरवाइज यील्ड विल बी रिड्यूस बाय द कंसिडरेबल एक्सटेंट। ठीक है, तो इसने कहा कि जो हमें वाटर मैनेजमेंट है बहुत अच्छे से करना चाहिए, तो रेगुलर इरिगेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेगुलर इरिगेशन करना चाहिए, एंश्योर ऑप्टिमम मॉइस्चर अवेलेबिलिटी उसके पास कितनी है ड्यूरिंग द मोस्ट क्रिटिकल फेज में, अदरवाइज यील्ड विल बी रिड्यूस बाय द कंसिडरेबल एक्सटेंट। रेगुलेट इरीगेशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ग्रोथ फेज ऑफ द क्रॉप, क्रिटिकल स्टेज आर 6th leaf, लेट नी हाई, टैसलिंग, 50% सिल्किंग और
Dove stage, of which distilling and silking are most critical stage, and water stress during these stage reduce the maize yield considerable. About 500 to 800 mm water is needed. Mainly in two phases में हमें इतने water की requirement होती है. Weed control, it required at least two hand weeding in maize crop. One is on 20 to 25 days and another is 40 to 45 days. यानी दो बार हमें वीट कंट्रोल डालना पड़ता है, पहला तो 20 to 25 days में और दूसरा 40 to 45 days में डालना पड़ रहा है. ठीक है, तो बस ये वीट कंट्रोल के लिए बता रहा है. शुड अप्लाई फर्टिलाइजर एज टॉप ड्रेसिंग एंड डू द अर्थलिंग अप ऑपरेशन आफ्टर वीडिंग इज कम्प्लीटेड. स्प्रे, अब क्या स्प्रे करना है वो हमें ध्यान रखना है. फिर आते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ मेज. Harvesting should be done when the crop out cover of the cob turned from green to white color. वो green to white color के हो जाते हैं. Harvesting can be done by hard. Machine are available to separate the seed. Machines होती हैं जो उस seeds को separate कर देती हैं. Early variety are harvested. Early varieties को हमें harvest करना है तो 70 to 80 days after sowing. Mid season variety are harvested 80 to 90 days after sowing and late variety are harvested 90 to 120 days after sowing. Clear? Yielding कितनी होती है? Hybrid maize जो है 40 to 60 quarter per hectare मिलता है. Composite 30 to 40 quarter per hectare मिल रहा है. और corn should be storage after drying in sunlight for 3 to 4 days at 8 to 10% moisture. क्लियर कि इस ये जो हील्ड मिली है इसको पहले सनलाइट में रखना होता है इस पूरे की पूरी सीड्स को 3 to 4 days तक, ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो 8 to 10% हो जाए. ठीक है, उसके बाद इसको स्टोर पूरा अच्छे से स्टोर करते हैं पहले सनलाइट में रख के. तो ये तो बच्चों हो गया अपना कंप्लीट मेज का, है ना. इसमें मैंने इंसेक्ट पेस्ट किसी में भी नहीं लिए तो वो मत ध्यान रखो. डिजीज मत ध्यान रखो, डिजीज हमने अलग से पढ़ी हैं. फिर आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्रॉप सीरियल की बात करती हूँ. रैप सीड्स या मस्टर्ड बोलते हैं. साइंटिफिक नेम ब्रैसिका स्पीसीज. फैमिली कौन सी होती है? क्रूसीफेरी. फिर आते हैं, इसने अलग अलग तरह की बता रखी हैं इतनी सारी. ठीक है, आपको अलग अलग नाम भी बता रखे हैं कि कौन कौन से हैं. मेनली जो मैं बता रही हूँ दो वो ही ध्यान रख लो. ब्रैसिका कंप्रेस्टिस जिसे बोलते हैं. टर्निप रैप ब्राउन सरसों होती है बच्चों. 43% ऑयल होता है और इसमें क्रोमोजोम जो होते हैं 20 होते हैं. ऐसी ब्रैसिका कंप्रेस्टिस वैरायटी ब्राउन सरसों. ब्राउन सरसों होती है ये. काली सरसों भी बोला जाता है इसको 43%. ठीक है, ब्रैसिका कंप्रेस्टिस वैरायटी येल्लो सरसों. येलो सरसों, पीली सरसों भी बोला जाता है बच्चों इसे. 45% 20 इसके क्रोमोसोम. ब्रैसिका कंप्रेस्टिस वैरायटी टोरिया इंडियन रैप टोरिया 35% 20. तो आप मेनली ब्राउन सरसों ध्यान रखो, काली और पीली सरसों ध्यान रखो. अब एक तुम्हें ये ध्यान रखना है कि राई किसे कहते हैं हम. इसमें राई होती है ब्रैसिका जुनसिया इंडियन मस्टर्ड या मस्टर्ड भी बोला जाता है. राई राया या लाहा बोला जाता है. 35% इसमें क्या होते हैं ऑयल कंटेंट और 36 इसमें क्रोमोजोम होते हैं. ठीक है, मेन राई का ध्यान रखना है बच्चों. फिर आते हैं हम, अभी बता रहा है रैप सीड वर्सेस मस्टर्ड का के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा है कि सरसों और राई में मेनली डिफरेंस क्या रहता है. कि प्लांट हाइट इसकी 45 to 150 होती है, इसकी 90 to 20 होती है. लीफ इसकी ससाइल लीफ लैमिला क्लैप द स्टॉक. लीफ जो होते हैं स्टॉक्ड होती हैं इसकी बट डू नॉट क्लैप. सिलिकुआ पॉड जो होता है इसका वो यहाँ पे शॉर्ट एंड थिकर होता है या लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल. पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेटेड या सेल्फ पॉलिनेटेड. सीड कोट इसमें स्मूथ होता है, इसमें रफ होता है. तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मेनली ये दोनों ध्यान रखना कि मेन डिफरेंस ब्राउन सरसों और येलो सरसों नहीं, ये रहने दीजिए, ये मत पढ़ना. फिर आते हैं हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में. ओरिजिन राई का चाइना में हुआ था. टूरिया और ब्राउन सरसों और येलो सरसों का ये अलग अलग बता रहा है. ठीक है, तो ये बार बार इन्हीं के बारे में बता रहा है. तो ब्राउन और येलो भी आप देख ही लो कि ब्राउन और येलो में लीफ जो होती है पेल एंड थिन होती है. यहाँ पे डार्क ग्रीन एंड फ्लैसी. ब्रांचिंग इसकी इरेक्ट एंड स्प्रेडिंग यहाँ पे होती है इरेक्ट. सिलिकुआ जो है थिन एंड नैरो, यहाँ पे थिन एंड ब्रॉड. एंड सीड कोट यहाँ पे डार्क ब्राउन टू रेडिश ब्राउन कलर का या येलो और नॉन म्यूसिलेजिनस होता है. ठीक है, किस जगह पे से ये मिले हैं ये ध्यान रखना. ब्राउन जो है वो ईस्ट अफगानिस्तान एडजॉइन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. येलो सरसों मिली है एंड ई इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इंट्रोडक्शन की बात करें, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड आफ्टर कनाडा इन वर्ल्ड. वर्ल्ड में सेकेंड ये ग्रो करता है. इंडियन कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम एरिया ऑफ मस्टर्ड इन वर्ल्ड. राजस्थान रैंक फर्स्ट इन एरिया एंड प्रोडक्शन
ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया. ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों का डेवलपमेंट होता है. आई इरीगेशन इज ड्यू टू आइसोथिकोसाइनेट प्रेजेंट इन मस्टर्ड ऑयल. आई में इरीगेशन क्यों होता है? आई इरीगेशन होता है, कई बार हम ऑयल को चढ़ा देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हम कहते हैं ना झल आ रही है, वो चीज़ क्यों आती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, आइसोथिकोसाइनेट प्रेजेंट होता है. प्यूनजेंट एरोमा इन मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू द सीनी ग्रीन एल्कॉइड. इट इज पॉइजनस कंपाउंड. येलो कलर ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू द कैरोटिनॉइड. येलो कलर किस कारण से होता है? कैरोटिनॉइड के कारण होता है. बिटरनेस जो होती है वो क्यों होती है? ग्लूकोसिनोलेट्स के कारण इसमें बिटरनेस होती है. इरुसिस एसिड इज फाउंड इन मस्टर्ड ऑयल. इट इज बेनिफिट फॉर हार्ट पेशेंट के लिए बेनिफिट होता है ये. ड्रॉपसी डिजीज इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एग्रीमोनी मैक्सिकाना सीड विद मस्टर्ड सीड ड्यूरिंग ऑयल एक्सट्रैक्शन. तो इस तरह की डिजीज होने के चांसेस रहते हैं. एरिगोना मैक्सिकाना इज नॉन एज ऑब्जेक्टेबल वीट फॉर मस्टर्ड. मस्टर्ड्स के लिए ऑब्जेक्टेबल वीट्स होते हैं ये. फिर आते हैं फ्लोरिसेंस, इसका कैटकिन होता है. फ्रूट टाइप इसका सिलिकुआ होता है. क्लाइमेट इसको कैसा चाहिए बच्चों? कूल क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. इट इज़ कल्टिवेटेड इन सब ट्रॉपिकल रबी सीजन क्रॉप इन इंडिया. रबी सीजन में ये ग्रो की जाती है सितंबर अक्टूबर टू मार्च अप्रैल. टेम्परेचर रेंज 3 to 40 degrees centigrade. ऑप्टिमम 18 to 25 degrees centigrade विथ कूल एंड ड्राई क्लियर वेदर. हाई RF, हाई ह्यूमिडिटी, क्लाउडी एटमॉस्फेयर एट फ्लावरिंग अनडिजायरेबल मोस्ट सब्सिक्वेंटली टू फ्रॉस्ट. ठीक है, फिर आते हैं सॉइल पे. सॉइल कैसी चाहिए होती है? सैंडी लॉम टू क्ले चाहिए होती है. थ्राइव वेल इन लाइट सॉइल. मस्टर्ड ऑन एनी सॉइल बट रैपसीड इन लाइट सॉइल. रैपसीड लाइट सॉइल में ही ग्रो की जाती है. वेल ड्रेन्ड सॉइल इज मोर सुटेबल. वाटर लूजिंग शुड नॉट बी सुटेबल फॉर कल्टिवेशन. वाटर लूजिंग नहीं होनी चाहिए. सलाइन अल्कलाइन सॉइल आर अनसुटेबल. पीएच सॉइल की कितनी होनी चाहिए? 6.5 to 7.5. न्यूट्रल सॉइल इज आइडियल. इरीगेशन जो है टोटल वाटर रिक्वायरमेंट 400 mm होती है. मॉइस्चर एट प्री फ्लावरिंग एंड पोर्ट फीलिंग स्टेज इज क्रिटिकल. ठीक है, इसका जो मॉइस्चर होता है प्री फ्लावरिंग के समय यानी फ्लावर आने से पहले और पोर्ट फीलिंग के समय थोड़ा सा क्रिटिकली ध्यान रखना होता है. टू इरीगेशन फॉर मस्टर्ड. दो बार इरीगेशन किया जाता है. ऑन एट रॉजेट स्टेज 20 to 30 days और अनदर एट सिलिकुआ स्टेज 50 to 60 days. पहले स्टार्टिंग में फ्लावर बनने के समय और फिर फ्रूट्स आने के समय. इन लाइट सॉइल 3 irrigation एंड द थर्ड एट 90 days. लाइट सॉइल जो होती है 90 days में भी किया जाता है इरीगेशन. IW/CPE रेशो ऑफ 0.6 इज ऑप्टिमम. वीट मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है बच्चों? डोमिनेंट वीट बता रखे हैं इसमें अलग अलग वो वीट्स होते हैं जो कि इसमें डोमिनेंट होते हैं वीट. इंटरकल्चरल ऑपरेशन 5 to 10 days आफ्टर फर्स्ट इरीगेशन. हैंड होइंग इज डिजायरेबल. इट एरिएटेड द सॉयल. सॉयल इरीगेशन इज टू कंजर्व सॉयल मॉइस्चर. हर्बिसाइड्स कैन ऑल्सो बी यूज. हमने क्या करा, या तो तोड़ के उसे बाहर फेंक दिया, पहली बात तो ये बोली. सॉइल का एरिएशंस कर रहे हैं हम, वो भी सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व कर रहा है. उसके अलावा हम हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं अलग अलग तरह के. ठीक है, पोस्ट एमरजेंट आइसो प्रोट्रम 0.75 kg/hectare फॉर. ठीक है, तो ये हो गया इसका वीड मैनेजमेंट. फिर आते हैं हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी. हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी में कलर ऑफ लीफ स्टेम एंड सिलिकुआ टर्न ग्रीन टू पेल येलो. जब ये पेल येलो कलर के हो जाते हैं और लोअर सिलिकुआ लुक्स ड्राई अपीयरेंस देना स्टार्ट हो जाता है तब उसकी क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं. अपर में भी ग्रीन सीड इन द सिलिकुआ मेक्स रैटलिंग साउंड. रैटलिंग साउंड करता है वो सिलिकुआ विद टू कार्पल्स एंड अ फॉल्स सेप्टम. ड्यूरिंग ओवर मैच्योरिटी द टू कार्पल्स स्प्लिट एंड सीड सेट. गिर जाते हैं. प्री मैच्योर हार्वेस्ट लीड टू श्रिवलिड ग्रेन्स. क्लियर, यील्डिंग बता रहा है कितनी होती है. इरीगेटेड रैपसीड 1.5 to 2 tons. रेन फेड रैपसीड 1 to 1.5 tons. इरीगेटेड मस्टर्ड 2 to 2.5 tons और रेन फेड मस्टर्ड 1.5 to 2 tons. तो ये हो गया बच्चों आपका कौन सा मस्टर्ड. मस्टर्ड का एक चीज़ और है, क्रॉपिंग पैटर्न ध्यान रखना बच्चों कौन सा दे रहा है ये मस्टर्ड के लिए. फॉलो मिलेट एंड पल्स मस्टर्ड और राइस क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम बता रहा है कि ये मिला के हम इनको ग्रो करवाते हैं. ठीक है, इंटर क्रॉपिंग में हम मस्टर्ड प्लस
चिकपी को मिला के करवाते हैं, या मस्टर्ड प्लस बार्ले वीट एंड चिकपी, मस्टर्ड प्लस शुगर केन, या पोटैटो प्लस मस्टर्ड, ये इंटरक्रॉपिंग में हम कर रहे हैं, ठीक है। यूज की दो क्रॉप को मिला के फिर ग्रो करते हैं इंटरक्रॉपिंग में। तो ये हो गया आपका मस्टर्ड कैसे ग्रो कराते हैं और क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आते हैं सनफ्लावर पे बच्चों। सनफ्लावर जो है उसका बॉटनिकल नेम होता है हेलियंथस एनस, फैमिली होती है एस्ट्रेसी या कंपोजिटी, ओरिजिन मैक्सिको में हुआ था, क्रोमोजोम नंबर 34, इनफ्लोरिसेंस कैपिटुलम, टाइप ऑफ फ्रूट इसका एक्ने, लीडिंग स्टेट इन इंडिया कर्नाटका, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन 40%, ऑयल कंटेंट 45-50%। सनफ्लावर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप ग्रोन इन टेम्परेट कंट्रीज। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल का बहुत मेजर सोर्स होता है इन इंडिया। इट हैज ग्रेन्ड पॉपुलरिटी ड्यू टू द नेशनल प्रायोरिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि सबसे प्रायर होता है इसके ऑयल को यूज किया जाता है। रसिया इज लार्ज प्रोड्यूसर्स ऑफ सनफ्लावर इन वर्ल्ड। सनफ्लावर इज C3 टाइप का होता है, ये डे न्यूट्रल प्लांट है। रेड ग्राम इज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, प्रोटो एंड्री फाउंड इन सनफ्लावर, अभी बताया था मैंने। टेस्ट वेट ऑफ रेड ग्राम इज 60-62% ग्राम। सनफ्लावर इज एन इंडिकेटर प्लांट ऑफ इरीगेशन। सनफ्लावर हैज एलोपैथिक ऑन अदर क्रॉप सीड जर्मिनेशन। लिनोलेनिक एसिड फाउंड इन सनफ्लावर ऑयल डेट आर बेनिफिशियल फॉर हार्ट पेशेंट। इसमें जो लिनोलेनिक एसिड होता है वो हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा होता है। सनफ्लावर सीड वॉज द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग सोयाबीन एंड पाम। क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है बच्चों से, द क्रॉप रिक्वायर्ड अ कूल क्लाइमेट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के समय कूल क्लाइमेट एंड सीडलिंग ग्रो। सीडलिंग टॉलरेट फ्रॉस्ट मॉडरेटली वेल अंटिल दे रीच द 4-6 लीफ स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। 6 लीफ स्टेज तक ये टॉलरेशन रखती है फ्रॉस्ट मॉडरेट्स को। इट रिक्वायर्ड वार्म वेदर फ्रॉम द सीडलिंग स्टेज अप टू फ्लावरिंग, यानी स्टार्टिंग लीफी स्टेज तक तो इनको टेम्परेचर कम चाहिए, उसके बाद वार्म टेम्परेचर चाहिए फ्लावरिंग तक, एंड वार्म एंड सनी डेज ड्यूरिंग फ्लावरिंग टू मैच्योरिटी। फ्लावरिंग से मैच्योरिटी तक वार्म और सनी डेज चाहिए होती है। 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड इज सुटेबल फॉर लग्जूरियस ग्रोथ। हाई ह्यूमिडिटी एकम्प्लेंट विद क्लाउडी वेदर एंड रेनफॉल एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग रिजल्ट इन पुअर सीड सेट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लिनोलेनिक एसिड डिक्रीज विद हाई टेम्परेचर एज मैच्योरिटी। ध्यान रखना लिनोलेनिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर हाई होगा तो वो उसको रिड्यूस कर देगा। सनफ्लावर इज अ फोटो इनसेंसिटिव क्रॉप, देयरफॉर इट कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली इन एनी सीजन, बाय खरीफ रबी एंड स्प्रिंग थ्रू आउट द इंडिया। इट टेक अबाउट 80-90 डेज इन खरीफ, 150-130 डेज इन रबी एंड 100-110 डेज इन स्प्रिंग सीजन। सॉइल कैसी चाहिए बच्चों इसको, वाइड रेंज ऑफ सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, जो टॉलरेट अ मॉडरेट पीएच रेंज एंड सम सैलिनिटी को टॉलरेट कर सके। इट थ्राइव्स बेस्ट ऑन डीप लॉमी सॉइल विद गुड ड्रेनेज एंड इरीगेशन फैसिलिटी। द ऑप्टिमम रेंज ऑफ सॉइल पीएच कितना, 6.5-8.5। इट परफॉर्म्स बेटर देन ग्राउंडनट इन हैवी ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, क्लियर। अब आते हैं हम इसकी वेराइटी, अलग अलग वेराइटी है, मैंने आपको यही ध्यान कहा था इनकी, मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, BS1 जैसे बता रहा है बेंगलुरु सनफ्लावर हाइब्रिड नंबर 1, इट इज़ द फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड ऑफ सनफ्लावर। फर्स्ट एग्जैक्टली अच्छे से ध्यान रखना कौन सी डेवलप्ड हुई थी। इट हैज़ बीन प्रोड्यूस इन कर्नाटका इन 1980, 155-160 सेंटीमीटर इन हाइट एंड मैच्योर इन 85-90 डेज। इट इज़ सुटेबल फॉर कल्टिवेशन इन होल ऑफ इंडिया, ये सुटेबल होती है। बाकी के बस एक बार नाम ध्यान रख लेना बच्चों, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट हम, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड वेराइटीज़ की थोड़ी सी ध्यान रखना। सूर्या मॉडर्न BSH1 पाउडरी मिडिल्यू रेजिस्टेंस वेराइटी है, MSFH8। अदर वेराइटी है सनराइज वरुण, मॉडर्न ड्राफ्ट, रामसन रिकॉर्ड और कोटा इम्प्रूव्ड। सीड रेट इसकी कितनी होती है, हाइब्रिड वेराइटी की तो होती है 7-8 kg/hectare, लोकल वेराइटी की होती है 10-15 kg/hectare। सीजन कौन सा होता है, रबी
की फसल को हम मिड अक्टूबर मिड नवंबर में सो करते हैं और प्लांटिंग इसकी 45x20 cm में, खरीफ जून जुलाई में 60x20 cm और जैत जो जनवरी मार्च में 45x20 cm प्लांटिंग डिस्टेंस। इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन रवि सीजन, मेनली इसको कब ग्रो किया जाता है, रवि सीजन में ग्रो किया जाता है। प्लांट पॉपुलेशन 60,000 to 65,000 प्लांट्स पॉपुलेशन मिल रही है हमें। मैन्योर फर्टिलाइजर कौन सा यूज कर रहे हैं, फार्मेट मैन्योर 10 to 15 टन पर हेक्टर, नाइट्रोजन 60 to 80 kg पर हेक्टर, P2O5 40 kg पर हेक्टर और K2O 40 kg पर हेक्टर। वीट कंट्रोल्स के लिए बच्चों क्या यूज कर रहे हैं हम, इन सनफ्लावर फार्मिंग इंटर कल्चरल ऑपरेशन आर असेंशियल टू मिनिमाइज द कंपोजिट ऑफ सनफ्लावर प्लांट विद द वीट्स। वीट फ्री कंडीशन अप टू 60 days आफ्टर सोइंग रिजल्ट इन बेटर यील्ड परफॉर्मेंस, कि 60 days तक वीट कंट्रोल आराम से रहना चाहिए उसका। When the plant attain a knee high stage, earthing should be done along the row. This provides safeguard against lodging, which is likely to occur at heading stage. If wind of high velocity blow, ठीक है, नीचे depth तक रहती है तो ज़्यादा wind blow होता है तो उससे भी ये बचा रहता है। Use of cermet at the rate of 4 kg per hectare applied as प्री एमरजेंस एज हैव बिन फाउंड इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग वीड इन सनफ्लावर क्रॉप। इफ सिमरेट इज नॉट अवेलेबल यूज वैसलीन एट द रेट ऑफ 1 kg पर हेक्टर डिजॉल्व इन 800 to 1000 liter ऑफ वाटर एज प्री प्लांटिंग स्प्रे। तो ये बता रहे हैं कि मेनली दो तरह के अपन यूज कर रहे हैं, या तो सिमरेट यूज कर रहे हैं या फिर वैसलीन यूज कर रहे हैं फॉर द वीट कंट्रोल। वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है बच्चों, इन सनफ्लावर फार्मिंग नॉर्मली नो इरीगेशन इज नीडेड फॉर खरीफ, खरीफ क्रॉप के लिए कोई भी तरह का इरीगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वन इरीगेशन में भी गिवन इन द केस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रवि क्रॉप में भी इरीगेटेड थ्राइस, तीन बार की जाती है, 40, 75 और 110 days ऑफ सोइंग, ठीक है। सनफ्लावर क्रॉप इज हाईली सेंसिटिव टू वाटर स्ट्रेस बिफोर फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज। कब वाटर स्ट्रेस होता है, बिफोर फ्लावरिंग या ग्रेन फिलिंग स्टेज में, देयर फॉर वन इरीगेशन मे बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ मॉइस्चर डेफिशिएंसी ड्यूरिंग दिस स्टेज। इरीगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग समर इज रिलेटिवली हायर, ठीक है, इरीगेशन रिक्वायरमेंट जो होती है समर में ज़्यादा होती है, नॉर्मली सी बात है, वहाँ उस समय वाटर कम होता है। इरीगेशन एट ग्रेन फिलिंग स्टेज शुड बी लाइट एंड गिवन ऑन काम एंड विंडलेस इवनिंग टू अवॉइड लूजिंग। अमंग द वेरियस स्टेज बड इनिशिएशन, फ्लावरिंग पीरियड, सीड डेवलपमेंट स्टेज आर क्रिटिकल स्टेज इन टर्म ऑफ इरीगेशन। आते हैं बच्चों हार्वेस्टिंग और यील्ड, दो ही रह गए इसमें हम। द सनफ्लावर क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्ट व्हेन मॉइस्चर इन सीड इज 20%, उसका मॉइस्चर केवल 20% रह जाता है। फीनोटिपिकली द हेड आर राइप व्हेन बैक ऑफ द हेड टर्न येलोइश ब्राउन, ठीक है, कि उसका जो हेड है वो राइप हो गया है, वो येलो कलर का हो जाता है, ब्राउन येलो इज ब्राउन कलर का। ऑल हेड में नॉट बी रेडी फॉर हार्वेस्टिंग एट वन टाइम, हार्वेस्टिंग में देयर फॉर बाय डन इन 2 or 3 इंस्टॉलमेंट में किया जाता है, सारे के सारे एक साथ नहीं राइप होते हैं, इसलिए 2 to 3 इंस्टॉलमेंट में इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। टू अवॉइड सेटरिंग, द हार्वेस्टेड हेड शुड बी ड्राइड वेल इन सन एंड देन ओनली थ्रेस्ट बाय बीटिंग द सेंटर ऑफ द हेड विद अ स्मॉल स्टिक, क्लियर, वही सनलाइट में इसको सुखाया जाता है। द कमर्शियल क्रॉप मे बी थ्रेस्ड विद अवेलेबल थ्रेसर्स बाय रिड्यूसिंग देयर स्पीड, फर्दर सन ड्राइंग ऑफ द सीड इज डिजायरेबल बिफोर स्टोरेज और ऑयल, स्टोरेज शुड बी 9 to 10% मॉइस्चर कंटेंट, क्लियर हो गया। पहले उसको लिया, उसके बाद पहले सुखा दिया, फिर उसकी थ्रेसिंग करी, देन उसके बाद अगेन सुखा के फिर उसको स्टोर करते हैं। यील्ड कितनी होती है बच्चों इसमें, 3 to 10 क्वार्टर पर हेक्टर। तो ये मेनली तीन मैंने आप लोगों को कौन कौन सी पढ़ाई आज, सनफ्लावर हो गया बच्चों, मस्टर्ड हो गया और जिया मेज पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट में नेक्स्ट सीरियल्स की बात करेंगे।